अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ सेवर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नैन तारा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से। 1974 से ऑनवर्ड हर साल 5 जून को ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम डिस्कस करेंगे आजकल के जो करंट इश्यूज एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2020 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है और माहौल में जो तब्दीलियां हो रही हैं, इसकी वजूहात इंसानी ज़िंदगी है, इंसान खुद है या कोई और एक्टिविटी है, इसके बारे में हम जानेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एनवायरनमेंट पंजाब मिस्टर नसीमुर्रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जैसे कि आज 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बायोडाइवर्सिटी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, बायोडाइवर्सिटी है क्या और इंसान और बायोडाइवर्सिटी का आपस में क्या ताल्लुक है? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ आज दावत दी। और हमारे दो दिन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं साल में। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो कि 5 जून को सारी दुनिया में मनाया जाता है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के नीचे ममालिक हैं वो सारे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा दिन है अर्थ डे जी, वो 22 अप्रैल को होता है और वो भी यूनाइटेड नेशन के नीचे जितने ममालिक हैं वो भी उसको भी अर्थ डे को भी किया। अब अर्थ डे को एहतजाज किया जाता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दफ़ा जो थीम रखा गया है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी आप देखें कि एक एक गिवन ये जो हमारी एरिया है, अब वहाँ पर जो आपके फ्लोरा है, जो आपका वहाँ पे फौना है, दरख्त हैं, चिरिंद हैं, परिंद हैं, वहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, वहाँ पे कवे भी हो सकते हैं, तो वो एक ख़ास एक 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 उसको एक टर्म है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की और फिर ये दरख्तों की और फ्लोरा की और फौना की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देखें ना, जो हमारा इको सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ इसका ताल्लुक है। इंसान है, इंसान क्या करता है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन उसको चाहिए ज़िंदा रहने की जी, ऑक्सीजन इनहेल करता है। और इसी तरह दरख्त हैं वो क्या करते हैं, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी कसाफतें हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि अल्लाह ताला की इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो चरिंद हैं, चाहे परिंद हैं, चाहे वो छिपकली है, चाहे सांप है, चाहे मतलब कोई भी चीज़ है जो जो इस दुनिया में तख्लीक की गई है, उसका कोई ना कोई इस इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में, उस फ्लोरा और उस फौना का एक रोल है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम कहते हैं ना कि जिस मुल्क में 25% जंगलात होंगे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कम अज़ कम 25% वहाँ का इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वहाँ की इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए 25% रकबे पे कम अज़ कम जंगलात होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कम है, तकरीबन कोई 4.7 या 5% हैं, जो कि अब हकूमत ने जो एक एक ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो इनिशिएटिव लिए हैं और बिलियन ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इससे इस साल का अंदाज़ा है कि ये 6% पे चला जाएगा और इंशाल्लाह ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो जो आपका सवाल था, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है जी, और ये बिल्कुल इंसान, परिंदे, जानवर, दरख्त, ये सारी चीज़ें आपस में इनका एक रब्त है। ये आप कहना चाहते हैं मतलब हमारा माहौल अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जैसे माहौल में तब्दीली आती जा रही है जी, बिल्कुल, आपको पता है हमारी ओजोन की जो लेयर है वो तबाह होती जा रही है इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से। आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं माहौल में, ये हम लोग जो माहौल को तबाह करते हैं इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंसानी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो इसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे? देखें, ये जो एक ज़माने में हमारे जितने भी एयर कंडीशनर जो हमारे घरों में फ्रिज इस्तेमाल होती थी या जो और इस तरह की मसनूआत थी, उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज़ होती थी जी, बिल्कुल। अब CFC गैस और इस तरह की कुछ और गैसेज हैं, जब ये फ्रिजों से, ACOs से जब निकलती थी तो ये ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट करती थी। तो अब आपको पता है, अब यूनाइटेड नेशन के अंडर ये डिफरेंट प्रोग्राम चले और अब आपके हर फ्रिज, हर AC के ऊपर लिखा होता है CFC फ्री, यानी कि एक अवेयरनेस दुनिया में आ चुकी है। अब गाड़ियाँ आपको पता है, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ बन रही हैं।
अब वो गाड़ियाँ बन रही हैं जो कि कम पोल्यूशन जनरेट करती हैं, अब वो एयर कंडीशनर फ्रिजें बन रही हैं, ये एक अवेयरनेस इंटरनेशनली आई है। तो वो जो आपने ओजोन की बात की, चूँकि गाड़ियाँ हैं या मेनली ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो CFC और इस तरह की जो गैसेज प्रोड्यूस करती थी, ये चीज़ें ओजोन को डिप्लीट करती थी, उसको डैमेज करती थी, और जो अदरवाइज एमिशन हैं और जो धुएँ हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो इंसानों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए वैसे नुकसानदेह हैं। तो वो अब अवेयरनेस हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है, और हमारा मुल्क भी उसके साथ साथ ही है, तो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इन गैसों की वजह से, इन कसाफतों की वजह से इन्वायरमेंट को और इंसानों को बहुत नुकसान पहुँचा। अच्छा, ट्रैफिक का इसमें क्या रोल है, बढ़ती ट्रैफिक का? ट्रैफिक की शरह हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर एक बंदे के पास अपनी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल कन्वेंस है। 2018 में एक स्टडी हुई थी जी, FAO वालों ने करवाई थी। अच्छा, उसमें जो हमारी अर्बन पोल्यूशन है उसमें 43% रोल ट्रैफिक पोल्यूशन का था। और उसकी वजह है, उसकी वजह एक तो आपकी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, यहाँ पे रिक्शा चल रहा है, यहाँ पे बस है, ट्रक है, कार है, मतलब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना जी। वो आपकी इस वक्त तकरीबन 25 से 30 लाख गाड़ियाँ यहाँ पे मूव कर रही होती हैं। एक तो गाड़ियों की तादाद में इजाफा एक बहुत बड़ी वजह है इसकी जी। दूसरा हमने ये देखा है कि ट्रैफिक जो कंजेशन है, अपार्ट फ्राम ट्रैफिक इंजन टेक्नोलॉजी, वो तो मैंने अर्ज़ किया ना, अब तो दुनिया में और पाकिस्तान में भी Euro 3, 4, Euro 2, 3 ये स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, ये सारी चीज़ें बेहतर इंजन टेक्नोलॉजी आ गई। बट नंबर ऑफ़ चूँकि व्हीकल्स ज़्यादा थी, अब जब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हैं और आगे से रोड्स आपके कहीं पर ट्रैफिक कंजेशन है, वो हर्डल्स हैं, तो वहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। बाज़ आपके सिग्नल पास चौक ऐसे होते हैं जहाँ पर बंद होता है, तो वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और हमारी जो लेबॉरेटरी है इन्वायरमेंट की, हम चूँकि वक्तन फ़क्तन ये चेक करते रहते हैं, हमने तो इवन ये देखा है कि जहाँ पे सिग्नल बंद है और सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ जो दो पैरामीटर्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक्सीड कर जाते हैं, मीन कि अपर लिमिट पर चले जाते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है जी, 43%। मतलब आपको क्या लगता है, हम जैसे आप कह रहे हैं सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, धुआं छोड़ती हैं, इसका कोई प्रॉपर हल आपको नज़र आ रहा है? जी देखें, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहली बात जी, ताकि आप जब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देंगे तो उससे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम होंगी, मीन्स कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। नंबर टू, इंजन टेक्नोलॉजी का मज़ीद इम्प्रूव होना। नंबर थ्री, ऐसे जहाँ पर कोई ऐसे जंक्शंस हैं, जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे चौक्स हैं, जैसी जगह हैं जहाँ इनक्रोचमेंट है, या इवन जो 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 आप समझते हैं कि इससे ट्रैफिक की मूवमेंट में कोई मुश्किल है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है जी। बिल्कुल, सीधा सा फार्मूला है, ट्रैफिक चलती रहेगी तो आपके जो लेवल्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, और जिस एरिए में ट्रैफिक रुकेगी वहाँ पर ये लेवल बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, कोरोना वायरस का वजूद में आना, ये माहौलियाती तब्दीली है या इंसान की कोई अपनी कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है? वैसे तो आपको पता है एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है या माहौलियाती जो तब्दीली है, इसके बहुत सारे इंसानी जो हमारे अवामिल हैं, जो हम खुद इसका तहस नहस करते हैं, उसकी वजह से हमारा माहौल ख़राब होता है। लेकिन जहाँ तक कोरोना का जो हमारे हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनली जो एक चीज़ सामने आ रही है, उसका कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से ये कोरोना का कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी रिसर्च मैंने नहीं देखी जहाँ पे ये प्रूफ हो। लेकिन कोरोना की वजह से हुआ क्या है कि कोरोना के आने की वजह से हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था हमारा, कोरोना के आने से पहले ये 200-150 के करीब इसकी रेंज रहती थी और 100 के मिनिमम करीब रहता था। लेकिन जब ये कोरोना का ये सारा मामला हुआ इंटरनेशनली और फिर पाकिस्तान में ये और फिर लॉकडाउन हुए जी जी, तो हमने देखा कि सारी गाड़ियाँ रुक गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, मींस के जितने भट्टे बंद हो गए, जितने सोर्सेज थे जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते थे वो सारे वक्ती तौर पर बंद हो गए। जो हमारे AQI लेवल जहाँ पे 150 पे रहता था वाघा टाउन में, जो नॉर्मल रेंज थी, वो आ गया 50 के ऊपर, और जो हमारा जेल रोड पे नॉर्मली जाता था कोई 60-70-80 करीब, वो 29 तक चला गया नीचे। मतलब अब इस वक्त भी, आजकल भी ये अब चूँकि दोबारा ट्रैफिक खुल गई है, तो अब तकरीबन 55 और 60 के करीब। मतलब पहली दफ़ा मुस्बत असरात सुनने को मिले हैं कोरोना के, उसकी वजह थी ना,
उसकी वजह थी कोरोना एक 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 वायरस था जो कि हमें उन उस इंसानों को उसने डिस्टर्ब किया, हमारी जो जिंदगियों को डिस्टर्ब किया, वो एक मेडिकल उसकी रीज़न थी। बट इन्वायरमेंट पे इसलिए उसका फ़ायदा हो गया कि वो सारी जो गाड़ियाँ थी वो बंद हो गई। जो मैंने आज किया 43% जो हमारी कंट्रीब्यूशन था ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक तो बंद हो गई थी, बहुत ना होने के बराबर थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो उस वजह से हमारे जो AQI लेवल थे वो बहुत नीचे चले गए। यानी कि मैंने बताया ना कि जहाँ 150 थे वो 50 की रेंज में आ गए, और जहाँ 50 थे वो 29 की रेंज में चले गए। अच्छा सर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, इसमें जो जो एनवायरनमेंट है या जो जो और बीमारियाँ इस तरह की, इंसान का अपना एक ज़ाती बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। अब हमने अगर अपने माहौल को साफ रखना है तो जितने तक हम इंडिविजुअली उसमें अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने घर में अपना गंद उठा के हम गलियों में ना फेंकें तो गलियाँ कैसे ख़राब होंगी, वो गंदी नहीं होंगी। अगर हम अपनी गाड़ियों को ट्यून अप करा के रखें और अच्छी हालत में रखें, अगर हम अपनी फैक्ट्रियों में जो धुआं कंट्रोल करने वाले आलात हैं और ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगा के रखें, अगर हम अपने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करें, अगर मतलब हर एक चीज़, अगर हम दरख्त लगाएं, अपने पौधे घरों को अपना खूबसूरत बनाएं, प्लांटेशन में अपना रोल प्ले करें, दरख्तों को काटें नहीं, मीन्स कि हर एक बंदे ने जब तक अपना रोल प्ले नहीं करना, अगर मैं यहाँ पे गंद नहीं डालूंगा तो ज़ाहिर उसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर मैं यहाँ टिश्यू पेपर फेंकता जाऊँ तो कितनी दफ़ा लोग उसको उठाएंगे। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, तो फिर ही ये माहौल साफ़ हो सकता है। हुकूमतें अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकती। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इससे जो पुराने वायरसेस हैं ये दोबारा से, ये बीमारियां दोबारा से आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये इंटरनेशनल इशू है। पूरी दुनिया में जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेटिक चेंजेस में 0.8% है। पाकिस्तान अफेक्ट होने वाले ममालिक में पहले 10 ममालिक में आते हैं, 6ठा या 7वां नंबर है इसका। तो इसमें ये इंटरनेशनल एक फिनमना है, इंटरनेशनली ये टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली ये एक इशू है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान और हमारे रीजन के मालिक का इतना ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट अफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्क। थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त आपने दिया। जी नाज़रीन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से हम बात कर रहे थे आपसे। छोटी सी इल्तिजा है, छोटा सा मैसेज है आपसे कि आप अपने माहौल को खुद आप अपने खुद से कोशिश करेंगे तो ही आपका माहौल बेहतर बन सकता है। ये आजकल की जितनी भी बीमारियां, इवन दैट ये कोरोना वायरस और इसके अलावा आपका माहौल जो गंदा हो रहा है, इसमें तब्दीलियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाके इंसानी लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, इसके लिए आपको इकदामात करने होंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और ये कूड़ा फेंकने से मेहरबानी करके आप ग्रेस करें। जब आप गाड़ियों में बैठे होते हैं, अक्सर देखा है कि आप कूड़ा जो है वो सड़क पर ही फेंक देते हैं, हम लोग कोई परवाह नहीं करते, हमारा अपना ही पाकिस्तान गंदा हो रहा है। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचें, बजाय कि आप कूड़ा बाहर फेंकने के, आप उसको शॉपर में डालें और प्रॉपर तरीके से घर में डस्टबिन में फेंकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें आपकी मेज़बान नैनतारा। अल्लाह हाफिज़।